आपने कई देखे होंगे, लेकिन कभी देखा है कि मेले में आए लोग जब तक एक किले पर जूते न मारे उनकी यात्रा पूर्ण नहीं होती? जी हाँ, ऐसा ही होता है यमुनानगर के कपाल मोचन मेले में। कपाल मोचन से कुछ ही दूरी पर टीले पर लोग जूते व चप्पल मारकर एक अधर्मी राजा को आज भी सजा देते हैं। क्योंकि ये राजा अधर्मी था और इसके पापों की सजा चाहे इसे एक श्राप से मिली हो, लेकिन उसका नतीजा आज भी राजा के ध्वस्त हुए किले को भुगतना पड़ रहा है। यमुनानगर के मेले कपाल मोचन से लाखों लोगों की श्रद्धा जुड़ी है और हर साल नवंबर महीने में कार्तिक पूर्णिमा का स्नान कर लोग जन्म जन्म के पापों से मुक्ति पाने की कामना करते हैं। लेकिन हैरानी वाली बात ये है कि कपाल मोचन मेले के बाद लोग जंगल में बने इस टीले पर चप्पल मारने के लिए 10 किलोमीटर दूर जाते हैं। राजा जरासंध के कुकर्मों की सजा आज भी लोग इस टीले को जूते मार कर देते हैं। हाथों में जूते चप्पल लिए दूर दूर से यमुनानगर के मेले कपाल मोचन में यहाँ लोग आए हैं। लोग इस धारणा से यहाँ पर जूते मार रहे हैं कि उनकी यात्रा सफल हो जाए। कहने को हरियाणा के हर जनपद के साथ महाभारत काल की कोई ना कोई दंत कथा जुड़ी है, लेकिन ये अपने आप में काफी रोचक है।